बिहार में इन दिनों वायरल फीवर और डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पूरे देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो गया है। आपको हम बता दें कि डेंगू और वायरल फीवर के लक्षण एक जैसे होते हैं, जिस वजह से लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते। ऐसे में मरीज की हालात और बिगड़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है और उसके लक्षण को पहचान कर जल्द से जल्द इलाज नहीं करवाया गया तो उस व्यक्ति की हालत और भी बिगड़ सकती है या हो सकता है कि उनकी जान भी चली जाए। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उन्हें वायरल फीवर है या डेंगू, क्योंकि दोनों ही बुखार के लक्षण एक जैसे होते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सारी चीजें विस्तार से बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप भी दोनों के फीवर में अंतर करना जान जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन वजहों से किसी को वायरल फीवर या डेंगू होता है। बता दें कि वायरल फीवर में वायरस के इन्फेक्शन से होता है, जिसमें सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं हो जाती है। आमतौर पर इस वायरस की चपेट में वे लोग आते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, और यह वायरस बारिश के मौसम में ही लोगों को हानि पहुंचाता है। वायरल फीवर 5 से 7 दिनों के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। वहीं अगर डेंगू की बात करें तो यह मच्छर के काटने से होता है और इसका लक्षण कुछ दिनों बाद ही नजर आने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है और उसका सही समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो यह बीमारी और भी गंभीर हो जाती है। इस बीमारी का असर लीवर पर देखने को मिलता है। बता दें कि डेंगू की भी गिनती वायरल फीवर में ही की जाती है, लेकिन यह मच्छर के काटने से होता है। चलिए अब हम आपको डेंगू और वायरल फीवर में अंतर बताते हैं। डेंगू फीवर में तेज बुखार होता है, जिसे ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। वहीं वायरल फीवर में बुखार ज्यादा तेज नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो उसके शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, लेकिन वायरल फीवर में किसी प्रकार को कोई निशान नहीं होता। डेंगू होने पर प्लेटलेट्स में कमी आती है, लेकिन वायरल फीवर में प्लेटलेट्स पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। कई लोगों को जब डेंगू होता है तो उनके ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, जबकि वायरल फीवर में ब्लड प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ता। बता दें कि डेंगू की वजह से उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं भी होती हैं। इसके साथ ही इससे लीवर पर भी असर पड़ता है, लेकिन वायरल फीवर में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। अगर आपको भी लगता है कि आपको डेंगू या वायरल फीवर है तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवा कर यह पता लगा सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी बीमारी है। वहीं अगर ट्रीटमेंट पर ध्यान दें तो दोनों ही बीमारियों में लोगों को पैरासीटामोल दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू या वायरल फीवर होता है तो उन्हें एंटीबायोटिक लेने से बचना चाहिए, और अगर लेते भी हैं तो उन्हें डॉक्टरों की सलाह से लेनी चाहिए। अगर आप डेंगू का सही समय से इलाज करवाते हैं तो आप 1 सप्ताह में आसानी से रिकवर कर सकते हैं, जबकि वायरल फीवर को ठीक होने में दवा लेने के बावजूद 5 से 7 दिन लग सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।